हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने सबसे ज्यादा किसान हितैषी काम किया। वहीं बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि बीते 4 सालों में किसानों को 9,000 करोड़ रुपए मुआवजा बीमा कंपनियों से दिलवाया है और 4,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से दिए हैं। सबसे ज्यादा किसान हितैषी फैसले हमने लिए हैं, 9,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों से हमने दिलवाए और 5,000 करोड़ के आसपास खराबे के पैसे दिए। इससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी उससे किसान ध्यान दे कि कितना गुना हमने ज़्यादा पैसा दिया है। और हमने नीति बना रखी है अब कि जो ही कोई प्राकृतिक आपदा आती है, ओला आता है और कुछ आता है, तो हम पोर्टल खोल देते हैं और क्षतिपूर्ति पर किसान भाई चढ़ा देते हैं। हर किसान से मेरी प्रार्थना है कि वो जिसको नुकसान है अपना चढ़ाए, उसको वेरीफाई करवा करके जल्दी से जल्दी हम जो है जो खराबे का पैसा उसको देंगे। ये विपक्षी पार्टियां बेकार में बयानबाजी करती हैं, इन्होंने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया, ना किसानों में से इनकी सहानुभूति है, सिर्फ प्रचार करने के लिए ऐसे बयान देती हैं। वहीं जेपी दलाल ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष केवल बयानबाजी करता है, किसानों के हित के लिए कुछ भी नहीं किया। विपक्ष के नेता काम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ टेलीविजन पर अखबारों में आने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इस मैंने पहले बताया कि उनके वक्त में जो बीमा का पैसा मिला, उनके वक्त में जो खराबे का पैसा मिला, उनके वक्त में जो भाव मिला, उनके वक्त से जो खरीद हुई, आज की खरीद है, वो आंकड़े अपने आप में बता देते हैं कि उन्होंने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। वहीं राहुल गांधी की रोजगार गारंटी को लेकर भी जेपी दलाल ने पलटवार किया और कहा कि मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। विपक्ष को भी पता है कि मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे, इसलिए विपक्ष हताश है और गठबंधन करता है तो कभी कोई गारंटी देता है, पर लोग विपक्ष की बजाय मोदी की गारंटी पर ही भरोसा करते हैं। आज दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं और विपक्ष को अच्छी तरह से पता है कि अगली बार भी वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष हताशा में है, वो मोदी जी को रोकने के लिए कभी गठबंधन बनाते हैं, कभी गारंटी देते हैं, कभी सारे देश में विकास की बहार लाने की बात करते हैं, लेकिन जनता जो है उनकी गारंटी पर विश्वास नहीं करते, जनता सिर्फ मोदी की गारंटी पर विश्वास करती। वहीं जेपी दलाल ने हरियाणा में आकर कांग्रेस के गठबंधन पर कहा कि हरियाणा में चाहे सारे दल गठबंधन कर लें, बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वहीं प्रदेश की सभी 10 सीटों पर जीत का दावा किया गया। चुनावी साल शुरू हो चुका है, जिसके चलते विपक्ष और पक्ष में जमकर बयानबाजी का बाजार भी गर्म है। भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।